नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग तो दोस्तों तारीख है 18 दिसंबर 2023 और यहां पे 19 दिसंबर 2023 के लिए मंगलवार के लिए ट्यूजडे के लिए तीन स्टॉक्स इंटरडेट के लिए सेलेक्ट कर लिया है उन तीनों ही स्टॉक्स के स्टॉक सेलेक्शन का रीजन बाइंग और सेलिंग लेवल टारगेट स्टॉप लॉस की चर्चा करूंगा आपके साथ लेकिन मैं बता दूँ मेरे दिए वे लेवल्स पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह सला जरूर कर लें क्योंकि आपके लाभ अनुसार की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप साथ ही आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल पर भी आपको एजुकेशनल वीडियोस और एजुकेशनल कॉल्स मिलते हैं तो चलिए शुरुआत करता हूँ तीन स्टॉक्स में से सबसे पहला स्टॉक्स देखेंगे लेकिन आज एक खासियत थी तीनों स्टॉक्स में कि सारे रेंज बाउंड आए हैं मतलब मार्केट गैप अप गैप डाउन हुआ नीचे आया फिर सस्टेन किया और मैक्सिमम टाइम साइडवेज हो गया तो इस वजह से क्या हुआ कि मैक्सिमम स्टॉक आज आपको साइडवेज वाला ही मिलेगा एक रेंज में फंसा हुआ मिलेगा अब यहाँ पे देखिए पहला स्टॉक जो आपके सामने में नजर आ रहा है वो है मैक्स फाइनेंशियल का एम का है ना तो एम ने भी क्या किया सिलेक्शन रीजन की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल पंद्रह मिनट के चार्ट पे फसा हुआ है ना ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है एक बक्से में फंस गया और ये पैटर्न भी अगर दो तीन आपको डेली मिल जाना तो ये अच्छा पैसा बना के आपको देता है तो अब ये देखिए सिंपल है पंद्रह मिनट के चार्ट पर एक रेंज में फंस गया है रेक्टेंगल में फंस गया है तो इस रेक्टेंगल के ऊपर और नीचे ही आपकी एंट्री बनेगी स्टॉक सेलेक्शन के लिए आपको सारे वाचलिस्ट को देखना पड़ता है एक अपना वाच लिस्ट बना सकते हैं आप हंड्रेड स्टॉक का स्टॉक का देन आप उसको वॉच करिए डेली पे मिल जाएगा तो फिलहाल अभी हम लोग एमएफ एस एल को देखेंगे अगर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है चलिए मैं इसका कलर बदल देता हूँ अगर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है एम एफ एस एल नौ सौ बेरासी रुपए को तो एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी बनती है बाय नाइन एटी टू और स्टॉप लॉस इस, इस कंडीशन में नाइन सेवन नौ सौ पचहत्तर का लेके चलेंगे बात है टारगेट का अपर साइड में तो टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे नाइन एटी नाइन नौ सौ नवासी रुपए का दूसरा टारगेट नाइन नाइन्टी सिक्स नौ सौ छियानवे रुपए का और तीसरा टारगेट वन थाउजेंड थ्री एक हजार तीन रुपए का अगर ये नीचे आ जाता है यानी कि नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल साइड जाएंगे तो सेल का जो लेवल है यहाँ पर 966 के बिलो सेल बिलो 966 और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर वो नौ सौ तिहत्तर रुपये नाइन का लेके चलेंगे अब टारगेट है अगर सेल साइड की बात करते हैं तो टारगेट होगा नाइन फिफ्टी नाइन नौ सौ टारगेट नाइन फिफ्टी टू नौ सौ बावन और तीसरा नाइन फोर्टी फाइव नौ सौ

और कहीं नहीं गया देखिए ये भी बिल्कुल रेंज में बक्सा में फंसा हुआ है तो अगर बात है चार सौ तिरपन के ऊपर तो चार सौ पचास का और जो टारगेट बनेगा इस हिसाब से फोर फिफ्टी सिक्स दूसरा फोर फिफ्टी नाइन चार सौ उनसठ तीसरा फोर सिक्स टू चार सौ बासठ रुपए का और ये अगर बक्से के नीचे आता है तब 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 हम सेल करेंगे सेल बिलो फोर फोर्टी नाइन चार सौ उनचास के नीचे बेचना है स्टॉप लॉस फोर फिफ्टी टू चार सौ बावन रुपये का लेके चलेंगे और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में फोर फोर्टी सिक्स चार सौ छियालीस जैसा फोर फोर्टी थ्री चार सौ तैंतालीस और तेसा फोर, फोर फोर्टी चार सौ चालीस रुपये का फर्स्ट टारगेट पास भी गए स्टॉक पहुँचे तो ज़रूर अपना फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट क्वान्टिटी बुक कीजिए बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल कर लीजिए और प्रॉफिट बुक अगर आप नहीं करेंगे तो लास्ट में आपको लॉस बुक करना होगा इस बात की भी पूरी संभावना रहता है इसलिए प्रॉफिट को जरूर बुक करिए बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में दोस्तों और उसका नाम है आपके सामने में बैंकिंग स्टॉक है इंडस्टिन बैंक इसके भी चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें पंद्रह मिनट पे तो आपको पता चलेगा ये भी कहीं नहीं गया पूरा दिन फंसा रह गया आप देखें ध्यान से किस तरह से ये अपर और रे, लोअर रेंज में शुरुआत के कैंडल को छोड़ दीजिए उसके बाद ये पूरे दिन ये भी नहीं गया तो आज मैक्सिमम स्टॉक रेंज बाउंड आपको नजर आ रहा होगा अगर आप भी अपना वॉचलिस्ट देखेंगे तो वैसे ही नजर आएगा तो अगर इस रेंज के ऊपर इंडस्ट्रियल बैंक निकालता है 1565 के ऊपर तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय @1565 और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1557 रुपए 1557 का जो टारगेट होगा इस कंडीशन में सो 1573 1573 दूसरा टारगेट होगा 1581 1581 और तीसरा टारगेट होगा 1589 1589 का और अगर ये नीचे का बॉक्स ब्रेक करता है पंद्रह को तो सेल करेंगे सेल सौ इक्यावन के नीचे बेचना है स्टॉपलस पंद्रह सौ उनसठ वन डबल फाइव नाइन का लगाएंगे आज जो तो फाई फाई और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में पंद्रह सौ तैंतालीस वन फाइव फोर थ्री दूसरा टारगेट वन फाइव थ्री फाइव पंद्रह सौ पैंतीस और तीसरा टारगेट होगा वन फाइव टू सेवन पंद्रह सौ सत्ताईस रुपए का दोस्तों बिना लॉस के ट्रेड बिल्कुल भी ना करें और अपने स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर करें तो ये वीडियो पसंद आया हो तीनों स्टॉक तो मुझे कमेंट करें फीडबैक करें मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों तब तक, तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद